हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे वी डिस्कस इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम यूनियन लेजिस्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। क्लियर? तो आज हम यूनियन लेजिस्लेचर में राज्यसभा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पार्ट राज्यसभा और लोकसभा। आज की वीडियो में हम सिर्फ राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, डेप्थ वाले क्वेश्चन। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, कुछ डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी का आर्टिकल पूछ लिया, कुछ मोल्ड करके कुछ पूछ लिया, तो उसके लिए सारी वीडियो ज़रूर देखिए बच्चा, बीच में मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करते हो तो आप लगा लो आपका एक आधा नंबर मिस हो जाता है। क्लियर? तो आपको अपनी तैयारी के लिए 15 मिनट तो दे ही सकते हैं। क्लियर ना? अपने एग्जाम के लिए, अपने करियर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो राज्यसभा, राज्यसभा का सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, दैट इज 80। क्लियर? कहते इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 79 में बताया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट, ऑप्शन में आता है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट। क्लियर? तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इनको मिलके क्या बनता है, इंडियन पार्लियामेंट बनती है। और किस आर्टिकल में बताया गया, ये 79 में बताया गया है। क्लियर? तो यही पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कहते हैं, राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है ऑफ द पार्लियामेंट एंड इज टर्म एज हाउस ऑफ एल्डर्स इन इंडियन पार्लियामेंट। अपर हाउस और हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। क्लियर बच्चा? और जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाइकैमरल इन नेचर, मींस इसके दो हाउस हैं, ठीक है, अपर और लोअर। ठीक है, राज्यसभा इज़ वन ऑफ दीज टू हाउसेज, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द अदर हाउस इज लोकसभा, दैट इज़ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा इज़ द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट और यूटी ऑफ द नेशन। क्लियर? किनको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट और यूटीज को। क्लियर? और इसका एक हैशटैग में इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, देयर इज नो सीट रिजर्व फॉर SC एंड ST इन राज्यसभा। राज्यसभा में SC और ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। मैंने सबसे, मैं हाईलाइट, मतलब समझो जो हाईलाइट है वो आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई भी, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रही हूँ, मेन चीज़ ही मैं आपको, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आती है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। पता ही नहीं कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको यही नहीं बता सकती कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर? पर और कैसे होते हैं इसकी कंपोजिशन कैसे है, 230 होते हैं वो स्टेट प्लस यूटी से होते हैं, और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं प्रेजिडेंट द्वारा। हमने पढ़ा था प्रेजिडेंट टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो राज्यसभा में प्रेजिडेंट द्वारा 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर? तो पर करंट स्ट्रेंथ क्या है, 245 है। ठीक है, करंट अब क्या चल रही है, 245 स्ट्रेंथ चल रही है, जिसमें 229 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स को, 4 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटी को। क्लियर? और 12 मेंबर किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट जी। चार मेंबर जो यूटी के हैं, उसमें क्या है, 3 तो सीटें दिल्ली की और 1 पुडुचेरी की है। क्लियर? तो नेक्स्ट आएगा, सिर्फ यूटी में सिर्फ 2 ही यूटी हैं जो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 3 सीटें दिल्ली की और 1 पुडुचेरी की है। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं फोर्थ शेड्यूल। जो फोर्थ शेड्यूल है, शेड्यूल अलग से पढ़ेंगे, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को जो सीट्स अलॉट होती हैं उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। बच्चा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर आप सीट की बात कर रहे हो कि सबसे हाईएस्ट सीट किस में है, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में आ जाती हैं, ठीक है, यूपी, 31 सीट आती हैं उनकी। क्लियर? तो आपको अपने स्टेट की भी पता होनी चाहिए। अगर आप स्टेट का एग्जाम देते हो, सपोज यू आर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में 7 सीट्स हैं। क्लियर? इफ़ सपोज यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में 19 सीट्स हैं। ठीक है, सपोज यू आर फ्रॉम बिहार, तो बिहार में 16 सीट हैं। ठीक है, तो आपको अपनी अपनी स्टेट की भी सीट है वो पता होनी चाहिए। अगर आप अपना स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी स्टेट की जो पूछी जाती है सीट कितनी है। क्लियर? राज्यसभा मेंबर। क्लियर? राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यूजिंग अ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा इज़ नॉट इक्वल। तो क्यों इक्वल नहीं है, इट डिपेंड ऑन इट्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन प्लस पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीट जाती है। मैंने आपको बोला है जैसे यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट रहती है, सीट रहती है, 31 सीट रहती है। क्लियर?
स्टेट विद द लार्ज पॉपुलेशन विल हैव मोर नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा एंड दोज विद द लेसर पॉपुलेशन. क्लियर? ऐसे जैसे अरुणाचल में सिर्फ एक ही सीट जाती है, गोवा की एक सीट जाती है, जम्मू कश्मीर की चार हैं, ठीक है, तो केरला की नौ है. तो ऐसा वरी करता है पॉपुलेशन के हिसाब से. तो नेक्स्ट आ जाता है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन में क्या है? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट बी लेस देन 30 ईयर. मीन्स उसकी एज कितनी चाहिए अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है? 30 ईयर्स. ठीक है, तो 30 ईयर्स याद रखना है. 30 ईयर्स कोई एज के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला क्वेश्चन रहता ही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉमिनेट मेंबर इन राज्यसभा. जो 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका कैसे मतलब क्यों नॉमिनेट किए जाते हैं? फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ, जब कोई आर्ट में अच्छा हो, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में. क्लियर? तो किसी में भी अच्छा होता है उसको ही नॉमिनेट किया जाता है. क्लियर? आपको पता सचिन, रेखा, ऐसे काफ़ी जो बंदे हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है. ठीक है, राज्यसभा के लिए. फैक्ट रिलेटेड टू द राज्यसभा. ठीक है, कुछ चेंजेस, दो चेंजेस किए गए हैं. क्या है? To be elected as a Rajya Sabha member from a particular state, the requirement to be elector from that state was removed. Clear? पहला तो ये है. दूसरा क्या? System of the open ballot was introduced in place of secret ballot. ठीक है, secret ballot के था से open ballot system introduce किया गया है. Clear? तो next आता है, कहते next है ये, कहते राज्यसभा is permanent body. Clear? ये question आ जाता है कि राज्यसभा को dissolve कर सकते हैं कि नहीं, कि ये permanent है कि temporary है. Clear? ये question रहता है. राज्यसभा परमानेंट होती है, लोकसभा टेम्परेरी होती है. किसी भी टाइम उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है. ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग चैम्बर एंड अनलाइक लोकसभा विच यूजली रन फॉर 5 ईयर. लोकसभा आपको पता है 5 साल चलती है एंड द फ्रेश इलेक्शन आर मेकअप. क्लियर? फ्रेश इलेक्शन आर टेकन अप एंड राज्यसभा हैज़ नो स्पेसिफिक टेन्यूर एंड इट्स कीप ऑन रनिंग, देयर फॉर इट इज़ नेवर डिसॉल्व. ये चलती रहती है, बट डिसॉल्व नहीं, इनको डिसॉल्व नहीं किया जाता. पर जब 1951 में एक एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 में एक एक्ट आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें इन्होंने राज्यसभा का टेन्यूर रखा था. दैट इज़ कहते 6 साल का टेन्यूर होगा, 6 साल प्लस कुछ कंडीशंस और हो गई. क्लियर? अगर आ जाता है कि ऑप्शन, आपको ऑप्शन में बताना ही है कि राज्यसभा का टेन्यूर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आती है तो आप 6 को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि 1951 में जो एक्ट आया था उसके उसके लिए था कि इसका जो टेन्यूर है 6 साल का रहेगा. क्लियर? और इसके बाद और क्या कंडीशंस रहेंगी? एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर इज रिटायर. इसके 1/3 मेंबर हैं जो रिटायर हो जाएंगे एंड फॉर द वैकेंट सीट फ्रेश इलेक्शन आर टेक प्लेस. ठीक है, और जो वैकेंट है उनके लिए फ्रेश इलेक्शन होगा. हाउएवर नॉमिनेशन आर टेकन अप इन द बिगनिंग ऑफ द 3rd ईयर, और जो नॉमिनेशन होगा हर 3rd साल में होगा. ठीक है, ये वही आ गया जो मैंने आपको बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ऑथराइज द प्रेजिडेंट टू मेक प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. इसके अलावा इसमें यह भी था कि जो टेन्यूर है वो 6 साल का रहेगा. क्लियर? अब आता है राज्यसभा का चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन कौन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो मेरे साथ इंडियन पॉलिटी सीरीज में पढ़ रहे हैं, कि जो पिछले लेक्चर पूरे सुन चुके हैं उनको पक्का पता होगा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, क्योंकि हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है. इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो आर्टिकल 89 में बताया गया. मैंने आपको पहले बताया था जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन रहता है, वही चेयरमैन होता है. क्लियर? तो बच्चा जिन्होंने पढ़ा, देखो आप अगर मेरे साथ सारे लेक्चर प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपको बहुत नॉलेज मिलती है. बच्चा खाली नोट्स में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से लेकर, उसके अलावा मैं जो बोलती हूँ वो भी नॉलेजेबल है, उसको भी ऐसा अपने नोट्स बना के रखिए. क्लियर? तो ये तो हो गया चेयरमैन की बात. द डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा, इज वन ऑफ द इलेक्टेड फ्रॉम अमंग राज्यसभा मेंबर, वो राज्यसभा के मेंबरों में भी एक होता है. क्लियर? थोड़ा इसका डिटेल जान लेते हैं, कहते हैं क्या रोल है प्रेसिडेंट, वो हमारा क्या चेयरमैन का क्या रोल है, और वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन का क्या रोल है. ही प्रिसाइड द अपर हाउस को प्रिसाइड करता है. ही प्रिसाइड द अपर हाउस व्हेन एवर गिवन बिलो कंडीशन, जब सीट ऑफ चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, जब चेयरमैन नहीं प्रेजेंट होता और उसकी सीट खाली रहती है. वैन चेयरमैन और वाइस प्रेजिडेंट हैज़ टू एक्ट एज प्रेजिडेंट, वो अपनी वाइस प्रेजिडेंट एज अ प्रेजिडेंट एक्ट कर रहा है तो उसको ये वाली सीट छोड़नी पड़ेगी. ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन रहता है, चेयरमैन एज अ चेयरमैन काम करता है. इफ वैन चेयरमैन इज एबसेंट फ्रॉम द सिटिंग. ठीक है, इन ऑल थ्री
केसेस डिप्टी चेयरमैन इज राज्यसभा हैज ऑल द पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. क्लियर. नेक्स्ट आता है रिमूवल. इसका कैसे रिमूव किया जाता है. ही कैन बी रिमूव एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओनली वैन ही इज रिमूव फ्रॉम द सीट ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर. जो वाइस प्रेजिडेंट नहीं रहेगा तो ये चेयरमैन भी नहीं रहेगा. और इसको ही कैन बी रिमूव बाय द रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. ठीक है. अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा राज्यसभा के मेंबर्स मेजोरिटी बना के इसको हटा सकते हैं. क्लियर. द रेजोल्यूशन टू रिमूव हिम द कैन मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 डेज एडवांस नोटिस. उसको 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा. बच्चा डेज महीने एज बहुत ज़रूरी है. क्लियर. कहते ये मेंबर जो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन होता है ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता और ये तो होता ही है. ठीक है. इनके मेंबर में से ही चुनते हैं. और वोट कहते हैं वोट देने का हक किसे किसे रहता है. वाइस चेयरमैन वोट नहीं दे सकता. वाइस चेयरमैन नहीं चेयरमैन वोट नहीं दे सकता. मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट है वोट नहीं दे सकता. ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इनहांस बट ही कैन वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स. ठीक है. अगर इक्वल हो जाता है. When he preside as a chairman, he too cannot vote in the first enough, but the exercise casting vote in cast in tie. Same है. Clear? When chairman is present in the house, deputy chairman is the ordinary member in the house, can speak, participate in the proceeding and even vote in the question of house. जब ये as a vice deputy chairman काम कर रहा है तो ये simple ordinary member है तो सिंपल राज्यसभा का मेंबर है तो ये बोल भी सकता है पार्टिसिपेट भी कर सकता है. क्लियर. वोट भी दे सकता है. बट ये अगर ये एज अ चेयरमैन काम कर रहा है तो ये नहीं वोट डाल सकता. क्लियर. तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट है कि आउट ऑफ 7 यूटी मैं आपको बता चुकी हूँ दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा. दिल्ली की 3 सीटें और राज्यसभा पुडुचेरी की 1 सीट है. ठीक है. जो 7 यूटी में से 2 ही रिप्रेजेंट कर रही हैं फॉर द रीजन ऑफ पॉपुलेशन. क्लियर. पॉपुलेशन के हिसाब से ही ये रहता है. क्लियर. बच्चा ये तो हो गया हमारा राज्यसभा का टॉपिक क्लियर. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हमारा आएगा लोकसभा का. वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चा लाइक शेयर और शेयर ज़रूर कीजिए. कोई नया जो नया कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. क्लियर. बच्चा सारी वीडियो देखिया करीजिए तभी आपको नॉलेजेबल रहेगा. और इसके साथ लिंक वाली सारी अब लेजिस्लेचर शुरू हुआ है तो अगर पॉलिटी आपके आपको पढ़ना है तो आप पिछले यूनियन एग्जीक्यूटिव की सारी वीडियो ज़रूर सुनिए. क्लियर. जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं. ये आपको नोट्स चाहिए तो नीचे ऐप का लिंक दे रखा है तो ऐप में जाके आप सारे नोट्स ले सकते हैं और वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं. ठीक है. आप उसको उतार सकते हैं अपने नोट्स बना सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. गुड लक. थैंक यू.